गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है हमारे कान्हा जी का बर्थडे। क्योंकि कान्हा जी को पिछली बार जब हम लेके आए थे तो हम वृंदावन गए थे इस तारीख को, तो और आज 1 साल हो गया उनका, तो आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, जिसके लिए हम उनके लिए हलवा पूरी और जैसा जैसा रहेगा वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। यहाँ पे हमने घी डाल के सूजी को भूनना स्टार्ट कर दिया है और हलवा बनाने की तैयारी हो चुकी है। हलवा हमारा बन चुका है और चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तो अभी हम पूरी तलना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने आटा लगा लिया है और मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी। आजकल मौसम ना थोड़ा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है, कभी कोल्ड कभी खांसी सभी को हो रहा है, तो हम भी उसके चपेट में आ चुके हैं कोल्ड के। तो अभी ऑयल गर्म हो रहा है, फिर तब तक मैं पूड़ी बेल लेती हूँ। ये पूड़ी मैंने बेल ली है, अब मैं इसको तलूँगी। अभी हमारी पूड़ी बन के रेडी हो चुकी है। आज कान्हा जी ने ये वाली ड्रेस पहनी है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। हमने पूजा कर दी है और कान्हा जी को भोग लगा दिया है, तो अभी हम इनको ले आए हैं दोनों बेबीज को साथ में। इसको दूध पीना है और इसको अपनी मम्मा के पास नहीं जाना है, मेरे पास आना है देखो क्योंकि बॉटल से दूध पीता है। तो अभी हम अपनी टिमी से दूध निकालने जा रहे हैं, फिर इनको बॉटल से दूध पिलाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छे से पी रहे हैं। तो अभी हम इनको दूध पिला रहे हैं, इनको भूख लगी हुई है और एक राज के पास बैठा हुआ है। देखो तो गाइस, आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए हमने कस्टर्ड बना लिया है पहले से और इसमें हम थोड़े से ग्रेप्स भी ऐड करेंगे, जिसको छोटा छोटा कट कर लेंगे हम और साथ में बनाना ऐड करेंगे। रुक दो। तो गाइस अभी ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस,